हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आप इस वीडियो में सीखिएगा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन घर में खुद से आप सर्विस कैसे की जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्विस कैसे की जाता है घर पे। तो सबसे पहले हम लोग ये डिटर्जेंट बॉक्स है, तो डिटर्जेंट बॉक्स को निकालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ही पुश करेंगे, हल्का सा ये पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये गंदा रहेगा तो इसको गर्म पानी से फुला के फिर उसको साफ किया जाएगा। तो ये तो हम लोग का सही है, अभी साफ़ है, तो फिर भी एक बार हम लोग साफ़ कर लेंगे इसको। जो पानी आता है, कभी कभी क्या होता है, ये छेदा ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण ये पानी कम गिरता है। कम गिरता है तो कस्टमर लोग भी बोलता है कि पानी कम गिर रहा है, उसके कारण है कि पानी कम गिरता है। एक और रीज़न है कि जो कि ये पीछे लगा हुआ रहता है, तो ये फिल्टर ये भी ब्लॉक रहेगा तो इसके कारण भी पानी कम गिरता है और एरर भी आता है। तो ये चीज़ पहले हम लोग साफ करेंगे अंदर में। ये डिटर्जेंट बॉक्स का, तो हमको साफ करने के लिए क्या 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 चाहिए, तो ये देखिए, ये टूथ ब्रश है और पानी है और ये कपड़ा है। ये तीन चीज़ से हम लोग सर्विस करेंगे। तो ये टूथ ब्रश हम लोग ले लिए। अब टूथ ब्रश से लेने के बाद ये जो ऊपर का जो डिटर्जेंट बॉक्स का जो पानी आता है वो अच्छा से हम लोग साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, ताकि पानी जो ब्लॉक होगा वो पानी गिरे। इसको हम लोग सही से सर्विस करेंगे। ब्रश से लगाने के बाद फिर कपड़ा से, साबुन फेन से, सरफ फेन से लगा के चारों तरफ इसको भी क्लीन कर लेंगे कि पानी स्पीड से आए। अच्छा से क्लीन करना। तो ये देखिए, क्लीन हो गया। पहले कितना गंदा था, अब क्लीन हो गया। ये क्लीन करने के बाद इसको पोछेंगे। ये क्लीन हो गया। डिटर्जेंट बॉक्स क्लीन करने के बाद फिर ये डोर पास आएंगे। ये डोर क्लीन करेंगे। ये गैसकेट जो है ना, ये गैसकेट देखिए, ये कितना गंदा है। गैसकेट चारों तरफ गंदा बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग साफ करेंगे। ये चीज़ गंदा रहता है तो कपड़ा में भी पूरा गंदा आ जाता है, उसके कारण पूरा कपड़ा गंदा, साफ क्लीन नहीं होता है कपड़ा। तो इसको हम लोग साफ करेंगे। ये देखिए, ये सरफ देखो, सरफ है और ये कपड़ा से इसको चारों तरफ लगड़ेंगे और गैस किट को साफ करेंगे अच्छा से। तो ये देखिए, कुछ हद तक ये सर्विस हो गया है। ये कस्टमर क्या करते थे कि कपड़ा धोते थे और धोने के बाद, वॉश के बाद ये आप खुद से साफ कर लीजिएगा, तो ये जो दाग लगा हुआ है ना, ये दाग नहीं लगेगा। हर वॉश के बाद आपको ध्यान रखें कि ये गैसकेट को अपने से साफ कर लीजिए, तो ये दाग जो बैठता है वो दाग नहीं बैठेगा। और हर वॉश के नहीं सक रहे हैं तो सप्ताह में दो बार आप कर सकते हैं, इसको साफ क्लीन कर सकते हैं, तो ये दाग बैठेगा नहीं। तो देखिए, ये चीज़ हम लोग जहाँ तक हुआ ये क्लीन हो गया है। और कभी कभी ये यहाँ पे सिक्का भी फंस जाता है, उसके कारण ये गैसकेट भी फटने का डर रहता है। ये सब तो वो चीज़ भी ध्यान दे, कपड़ा कभी भी डाले तो कॉइन देख लीजिए, चेक कर लीजिए, या कोई चीज़ पिन उन नहीं है तो वो चीज़ चेक करके आप कपड़ा वॉश कीजिए, नहीं तो उसके कारण ये पूरा गैसकेट फट जाता है। तो ये वॉश हो गया। अब इसको वॉश करने के बाद फिर ये चीज पूरा क्लीन ऐसे ऐसे कपड़ा से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद ये भी इसका डोर जो है इसको क्लीन कर लीजिए अच्छा से। ये देखिए, ये डोर भी क्लीन हो गया। अब ये डोर क्लीन करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये ड्रेन लाइन है, कवर से ये स्क्रू ड्राइवर से ये तिरछा हल्का सा पुश करेंगे तो ये कवर इसका खुल जाएगा। और ये ड्रेनेज लाइन का कैप है, तो लेफ्ट साइड इसको घुमाएंगे तो ये ड्रेनेज लाइन में जितना भी कचरा हो या कॉइन हो इसमें फंस जाता है। तो देखिए, ये कचरा जाके ये फंस गया है और ये भी ब्लॉक रहेगा। 5E एरर कोड आता है और 5C एरर कोड आता है, ये ब्लॉक रहेगा। तो ये क्लीन है, इसको भी हम लोग साफ कर लेंगे अच्छा से।
इसके अंदर भी देखिए, ये इसके अंदर एक कॉइन है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कपड़ा से चेक करके नहीं निकालेंगे तो कॉइन इन भी आ जाता है, फंस जाता है, उसके बाद भी एरर कोड आ जाता है 5C या 5E। तो इसको हम लोग अच्छा से क्लीन कर लेंगे। अब इसको हम लोग धो लेंगे। चारों तरफ जो कोना कोना में गंदगी जो बैठा हुआ है उसको क्लीन करेंगे। तो ये क्लीन हो गए और डिटर्जेंट बॉक्स को भी हम लोग साफ करेंगे। ये क्लीन है और ज्यादा गंदा रहता है तो पूरा गर्म पानी से भिंगा के इसको साफ करते हैं, बट ये क्लीन है। ये साफ हो गया। चलिए अब इसको हम लोग फिट करेंगे। ये देखिए राइट साइड इसको घुमाएंगे, ये लॉक में जाके फंस जाएगा। ये यहाँ पे आना चाहिए पॉइंट। इसके देखिए ये दागी जो दिख रहा है, ये दागी, ये दोनों सामने रहना चाहिए, यानी ये फिट हो गया। अब इसको हम लोग लॉक कर देंगे। अभी ये डिटर्जेंट बॉक्स था, ये डिटर्जेंट बॉक्स को भी फिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये और ये पॉइंट, हल्का से इसको ये सेलेक्ट करेंगे और हल्का से पुश करेंगे तो ये बैठ गया। अब हम लोग फिल्टर को साफ करेंगे, पीछे जो फिल्टर है वो साफ करेंगे। तो वो साफ करने के लिए पहले हम लोग पानी को बंद करेंगे। बंद कर लिए, पानी बंद करने के बाद इसको लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो ये खुलेगा। खुलने के बाद ये एडेप्टर, ये इनलेट वाल्व में जो फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर है अंदर में, देखिए ये अंदर में फिल्टर है। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये जो लॉक है, ये देखिए ये लॉक दिख रहा है, ये छेदा जो दिख रहा है उसमें फंसा के इसको बाहर निकालेंगे तो ये फिल्टर निकल जाएगा। ये फिल्टर निकल गया मगर ये भी क्लीन है। और ये देखिए अंदर में एक फिल्टर रहता है, उसको भी क्लीन करेंगे। तो ये सब क्लीन है, इसको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद फिर इसको भी पाइप को फिट कर देंगे। देखिए ये फिट हो गई, पूरा टाइट कर दी। अब टाइट करने के बाद हम इनको ऑन करेंगे। ऑन हो गया मशीन। ऑन होने के बाद फिर हम लोग एको टब क्लीन के ये चलाएंगे। अंदर में जितना भी कचरा होगा या जितना भी हम लोग सर्विस किए वो पूरा गंदगी बाहर निकाल देगा। ऐसी तरह आप लोगों को भी सर्विस करना है घर पे खुद से, इंजीनियर को नहीं बुलाना है। ये इंजीनियर को बुलाइएगा तो 1000 रुपया सर्विस का ले लेगा, तो वो आप अपने से ये सर्विस कर सकते हैं। ये देखिए ये पानी गिर रहा है, देखिए ये पानी गिर रहा है। देखिए पहले क्या कम पानी गिर रहा था, प्रेशर कम था, अब पानी तेजी से गिर रहा है और गंदगी भी साफ हो गया। हम लोग फिट कर देते हैं ये अंदर। देखिए देखिए पूरा मशीन को हम लोग पोंछ देंगे अच्छा से। तो ये क्लीन हो गया। आपको वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।